आशा आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आशा आईटीआई में सत्र 2023-25 में नामांकन जारी। भारत सरकार एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त। आज का ये जो कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा इवेंट्स और एक्टिविटीज़ है जो हमें करने चाहिए, जो हमारे आज के कार्यशैली में, जो हमारे जीवन में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं रोज़मर्रा के जीवन में, किस तरह से हम लोग उसमें बदलाव लाते हुए पर्यावरण को बचाए उसका एक प्रयास है। इसके लिए ये वृक्षारोपण और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कपड़े का इस्तेमाल, प्लास्टिक का जो पैकेट है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह पे हमें कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, और अन्य भी तरह की एक्टिविटीज़ भी है जिसमें क्लोथ बैंक चलाना है, बुक बैंक चलाना है, रैलियां करनी है, लोगों को अवेयरनेस फैलाना है पर्यावरण बचाने के लिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका कम उपयोग करना है, सोलर एनर्जी का ज़्यादा उपयोग करना है, लकड़ी के जलावन का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके जगह पे जो उज्ज्वला योजना चल रही है उसको अपनाना है। इस तरह की भी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो सहकारिता विभाग, जिला सहकारिता कार्यालय बोकारो के द्वारा हम लोगों ने ये छोटा सा प्रयास किया है इस पैक्स में आके। हम चाहेंगे कि जिले के हर पैक्स में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह का आयोजन किया जाए। पिंडराजोरा में आज क्या क्या किया गया? पिंडराजोरा में हम लोगों ने अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और कपड़े के थैली का वितरण और दातून, जो करंज का दातून है उसका हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को दिया है इस्तेमाल करने के लिए। मैम का शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम है श्वेता गुड़िया, जिला सहकारिता पदाधिकारी भोपाल।